सबसे पहले मेरा नाम नवीन गंधर्व है और मैं एक बहुत ही रिच म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे दादाजी पंडित काशीराम गंधर्व जी वो एक सारंगी आर्टिस्ट थे और मेरे नाना जी पंडित मानसिंह जी वो तबला भी बजाते थे और सारंगी भी बजाते थे। तो ऐसे मतलब मेरे घर में सभी मोस्टली जितने भी सब बड़े बड़े लोग हैं सभी आर्टिस्ट ही हैं। फिर मेरे पिताजी पंडित बाबूलाल गंधर्व उन्होंने एक खास एक इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया हुआ है जिसका नाम है आप जो देख रही हैं ये बेलाभार। इसको गज से बजाया जाता है और इसकी खासियत ये है कि ये वायलिन और सारंगी की सोच को लेकर बनाया गया इंस्ट्रूमेंट है। दोनों का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। मतलब जो जो चीज़ें वायलिन में नहीं होती है और सारंगी में नहीं होती वो दोनों चीज़ें इसमें पॉसिबल है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जो बजाई जाती है वो शायद दूसरे इंस्ट्रूमेंट में इम्पॉसिबल के बराबर है। मतलब साउंड वाइज भी और टेक्निकल भी। इसका इन्वेंशन कैसा हुआ वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे पिताजी ने बचपन में अपने दादाजी पंडित काशीराम जी उनसे वोकल और सारंगी की शिक्षा ली थी और काफ़ी साल उन्होंने उसको बजाया। फिर जैसे जैसे वो यंग हुए तो उनका इंटरेस्ट वायलिन की तरफ हुआ क्योंकि वो उस दौरान वायलिन बहुत पॉपुलर हो रहा था और मतलब यंगस्टर्स को जरा ज़्यादा अट्रैक्शन उसका होता था। तो उन्होंने वायलिन सीखा और काफ़ी उसके ऊपर प्रैक्टिस की। एक हमारे देवास में पंडित एस जी रान रहे थे उनसे उन्होंने वायलिन की शिक्षा ली और बहुत साल बजाने के बाद उनको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि इसमें ये जो सारंगी में जो तरबे होती है ये उनको मिसिंग लगा कि हम लोग जो बजाते हैं तो उसकी आस नहीं आती। मतलब वो सुर जो वहीं ख़त्म हो जाता है जब तक वो चलती है तब तक ही रहता और मतलब डेड सुर की तरह वो साउंड करता था। फिर उन्होंने इसके पीछे काफ़ी सोचा कि क्या किया जाए क्योंकि अगर वो वापस सारंगी की तरफ मुड़ते तो काफ़ी प्रैक्टिस वो वायलिन में कर चुके थे और फिर वापस सारंगी बजाना बड़ा मुश्किल था। तो माँ सरस्वती की कुछ ऐसी कृपा हुई कि उन्हें कुछ ऐसे ख्याल आए कि क्यों ना मैं वायलिन का और सारंगी का एक कॉम्बिनेशन में कुछ सोचूं और कुछ इस तरह का कुछ अगर बनाऊं मैं। तो उन्होंने शुरू में तो वायलिन में ही कुछ ऐसे तरबे ऐड करके कुछ कोशिश की कि चलो देखते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट करके। पर वायलिन तरबों के लिए इतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि वायलिन जो बनाया जाता है वो प्लाईवुड से बनाया जाता है। वो प्लाईवुड की जो लकड़ी है वो बहुत सॉफ्ट होती है और इस ये जो तरबों का जो टेंशन है ये मेन स्ट्रिंग तो ठीक है पर ये मेन स्ट्रिंग और ये मिला के जो टेंशन होता है वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टेंशन होता है। तो उसको बियर करने के लिए कम से कम मतलब ये ठोस लकड़ी की ज़रूरत होती है जो कि सारंगी में होती है सरोद में होती है और मतलब सितार भी काफ़ी स्ट्रांग होता है वायलिन के कंपैरिजन में। तो वो वायलिन का जो उन्होंने सोचा था वो सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि वो उसकी उसका जो प्लाईवुड है वो बैंड हो जाता है। फिर उन्होंने ये सोचा कि जैसे सारंगी में होता है वैसे ही कुछ नया कुछ एकदम इंडिपेंडेंट कुछ बनाते हैं। मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेशन नहीं करते हुए हालांकि अभी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में ऐसा लोगों ने वो ऑपरेशन करके मतलब गिटार को कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट बना दिया या हारमोनियम को कुछ ऐड करके ऐसा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए पर ये जो बेला भारी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है मतलब प्रॉबेबली जो एक पूरा इंडिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट है। मतलब ये जो लकड़ी है पूरी वन पीस है वो इसमें ये स्किन लगाई गई है और ये सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स है। मतलब ये जो तरबे हैं यही मेन पर्पस था उनका कि ये तरबों की आवाज़ उन्हें मतलब बजाते वक्त ये आना चाहिए जब जब एक संगीत का एक अलग मज़ा आता है।
तो फिर उन्होंने फिर 200 साल पुरानी एक टीक वुड, सागी लकड़ी बोलते हैं उसको, तो उसको कार्व करना शुरू किया। हालांकि वो मतलब तो उनको कुछ आइडिया नहीं था ऐसे कारपेंटरी का इतना, खाली मतलब ऐसे दोस्तों को ऐसे देखा था उन्होंने कभी ऐसे काम करते हुए। और जब जब जिस वक्त तो उन्होंने ये बनाया, उस वक्त हम बड़े लो सिचुएशन में थे, मतलब हम लोग कुछ 2-3 साल के थे, और मतलब वो बम्बई आए हुए थे, मतलब जैसे स्ट्रगल करते स्ट्रगल हैं, तो स्ट्रगल वो एक स्ट्रगल पीरियड था। तो उसमें उन्होंने लकड़ी भी खरीदी, फिर बाद में रात में एक वो चिमनी होती है, एक हल्की सी लाइट होती है जिसमें वो केरोसिन डाल के वो करते हैं, तो वैसी लाइट में उन्होंने रोज 1-1 घंटा मतलब रात में ऐसे लकड़ी को वो लोग छीलते थे, और फिर इसके इसकी जो भी पार्ट्स है उसके बारे में सोचते थे कि क्या क्या ऐड होना चाहिए। और जो जो इसके पीछे जो औजार लगते हैं वो भी कहीं से उन्होंने सेकेंड हैंड, वो जो होते हैं ना औजार, वो भी न्यू नहीं, मतलब तो सेकेंड हैंड में काम करने में मतलब डबल एनर्जी लगती है। तो उन्होंने मतलब किया ऐसा, और मतलब भगवान के आशीर्वाद से ये इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में बन गया सब, और बजा भी इसी तरह से, मतलब जहाँ भी उन्होंने इसको बजाया वो मतलब सक्सेसफुल रहे, मतलब हर फील्ड में, मतलब क्लासिकल से लेके ये जो डिवोशनल म्यूजिक है, रीजनल म्यूजिक है, फिल्म म्यूजिक है, इनफैक्ट ये जो अभी आजकल फ्यूजन चल रहा है उसमें भी उन्होंने मतलब हर फील्ड में यूज़ किया। मेरे घर में कभी ऐसा संगीत के लिए ऐसा फोर्स नहीं किया गया कि आप लोगों को यही करना है या ये करना है या वो करना है। हम लोग मतलब ऐसे नेचुरल जैसी जिंदगी होती है, हम लोग खेलते थे, मतलब फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। अच्छा, वो खेला हाँ नहीं हाँ होता। वो हाँ नहीं, अलाउड तो अलाउड मतलब बच्चों को खेलने दिया जाता है कि वो, पर ऐसे दिल से खुशी नहीं थी कि ये लोग ये खेल, उनको उनको खेलने यही वाला होता है। हमारी माता जी को भी यही वो ये था कि हमारे बच्चे मतलब संगीत करें तो हमें ज़्यादा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो काफ़ी साल हम लोग ने मतलब खेल कूद में क्योंकि बिगाड़े। जाकर साहब के पेरेंट्स ने कभी उनको शायद फुटबॉल या क्रिकेट खेलने नहीं दिया है, हाँ तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ बार हाँ बार फिर हाँ से कि खेलने दिया हाँ आपने। नहीं, हमें खेलने दिया, और खेलने के बाद हम लोग ज़्यादा खेलते थे तो मार भी पड़ती थी, मतलब अच्छा, ओके। अच्छी खासी। पर जो बचपन में जो होता है वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि वो उस फिर टाइम वापस आते हैं। हाँ उस टाइम पर जो एक फिजिकल एक्सरसाइज जो हो जाती है वो शायद बाद में, अभी अभी हमारे पास वक्त नहीं होता कि ये करें वो करें, तो बचपन में जो हो गया सो हो गया। हालांकि खेलकूद का भी इसमें काफ़ी वो फायदा होता है करने का, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है, तो वो जो एक्सरसाइज है उसमें काम में आती है। अगर आप चेस प्लेयर हो तो वो आपका जो ब्रेन है, और इसमें जितना फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत है उतना ही मतलब मेंटल स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत है, मतलब जितना आप इसमें अपना दिमाग लगाएंगे उतनी मतलब इसकी पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी म्यूजिक में। कोई जैसे आप कोई कंपोजिशन बनाते हैं तो उसके अलग अलग मतलब डायमेंशन, आइडिया खुलता है हाँ बिल्कुल। इसकी मतलब अलग अलग पॉसिबिलिटीज, मतलब तान में क्या हो सकता है, ताल में क्या हो सकता है, कि ये फ्रेज यहाँ से यहाँ कैसे चिपकेगा, यहाँ से यहाँ कैसे। तो जितना हम लोग ब्रेन यूज करेंगे उतना वो कंपोजिशन में वो उसका नजर आएगा, उसका रिजल्ट। तो जैसे हम लोग खेलकूद करते थे, फिर बाद में हमारे मतलब माता पिता यही सोचते थे कि ये लोग जैसे तैसे संगीत में आए, तो वो कुछ जैसे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, जैसे गुलाम अली साहब हैं, तारिक खान साहब है, जाकिर साहब है, तो इनकी इनकी मतलब पहले वो कैसेट मिलती थी, वो रील रील वाली वो कैसेट, अब आजकल तो पूरा डिजिटल हो गया है, पर पहले वो मिलती थी, तो वो ऐसे ला के वो बजाते थे। तो धीरे धीरे हम लोग का फिर ऐसे सुनते सुनते लगा कि हाँ कुछ ये मज़ा आ रहा है इसमें, मज़ा आ रहा है इसमें। और मतलब जैसे किशोरी अमोनकर जी हैं, ये इनका इनका सबका सुनते थे, पर मुझे है ना जैसे गुलाम अली साहब जब बजाते तो उनके साथ एक तबला प्लेयर थे तारिक खान साहब, वो मतलब पाकिस्तान से है पर उनको यहाँ पर भी उतना ही सुना जाता है जैसे गुलाम अली जी को सुनते हैं, उनके इतने ही फैन। फिलहाल वो तो अभी अमेरिका में बेस्ड हैं, तो
तो उनका जो वो प्ले करते थे तो गजल में जैसे वो लग्गियां बजाते हैं या कुछ भी, उनको तबले पे मौका दिया तो वो उस तरफ मेरा जरा ज़्यादा ध्यान होता था। और मैं जब भी कॉन्सर्ट में जाता था तो ये देखता था कि ये तबला प्लेयर मतलब जब भी बजाते तो इनको ज़्यादा लोग मतलब इनको ज़्यादा रेस्पॉन्स देते हैं, जैसे कुछ भी ऐसा कुछ बजाया तो तालियां शुरू हो जाती। तो इस वजह से मेरा मतलब जो मेन इंटरेस्ट था वो तबले की तरफ मतलब मुड़ गया। हालांकि मुझे मुझे होना था इसी इसी और होना चाहिए था क्योंकि मेरे पिताजी ने ये इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया था, पर उन्होंने फिर मना नहीं किया मुझे। जो भी है, तबला भी एक म्यूजिक का पार्ट है तो यू शुड लर्न। तो वो मुझे मतलब अपने एक दोस्त थे पंडित विश्वनाथ मिश्रा, उनके पास मतलब मुझे उन्होंने सीखने के लिए भेजा। और वहाँ पर कुछ कुछ साल करने के बाद में फिर उस्ताद अलारा का खान साहब, वो उनके पास भी मुझे फिर सीखने भेजा। और उनको वैसे तो मैंने जाकिर जी को उनको ऐसे कॉन्सर्ट्स में और वैसे सुना ही था, पर मेरा बहुत सौभाग्य कि मैं उनके पास में सीखा। और बहुत कम टाइम मिला मुझे, पर मैं ज़्यादा मतलब अटेंड करता था क्लासेस, तो उस वजह से मतलब जो 10 साल का काम है या जो 15 साल का काम, वो बहुत कम कम समय में हो गया। और संगीत सीखते वक्त मेरा हमेशा ये ध्यान नहीं था कि इतना सारा करना है या बहुत सारा करना है, मुझे मेरा यही ध्यान था कि भले आप थोड़ा सा करो पर वो इफेक्टिव हो, क्योंकि म्यूजिक जो चीज़ है वो एक मतलब एक कॉमोडिटी नहीं है, वो एक मतलब ईश्वर का एक वरदान है। मतलब हम लोग बहुत सारे ग्रंथ की तरह इकट्ठा करें उसका कोई वैल्यू नहीं। जब आप जब परफॉर्म करते हो तब वो अगर किसी के दिल को छूता है तो फिर वो संगीत का मतलब होता है। तो मैंने जो वहाँ अलारका खान साहब के वहाँ पर जो जितना भी मैंने सीखा, तो मैंने कोशिश की कि तबले का एक एक जो साउंड है उसके पीछे ज़्यादा मतलब काम किया जाए, ना कि मतलब ज़्यादा कुछ वो उसका जो सिलेबस है उस पे ज़्यादा। हालांकि सब पे होना चाहिए ध्यान, पर मेरा तबले के साउंड की तरफ ज़्यादा वो ध्यान था। और वो आप मेरे बजाने में मतलब एक अलग मेरा एक यूनिकनेस वो आप नोटिस कर पाएंगे। तो काफ़ी मतलब 6-7 साल तक मैंने उनके पास सीखा, और मेरे ख्याल से मतलब इंडिया के मोस्ट ऑफ द मेस्ट्रोज जैसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, फिर पाकिस्तान के गुलाम अली साहब हैं, फिर अनूप जलोटा साहब हैं, वो ऐसे कई कई आर्टिस्ट, और हमारे यहाँ जो यंग यंग सीनियर आर्टिस्ट हैं उनके साथ में काफ़ी मैंने बजाया है। जैसे उस्ताद इरशाद खान है, सितार वादक, विलायत खान साहब के भतीजे होते हैं, हिमरत खान साहब के बेटे। तो ऐसे मतलब मेरे दोस्त की उम्र के जैसे समीर राव हैं, हिमांशु नंदा है, इस टाइप के बहुत लोगों के साथ मैंने तबला बजाया और काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और मेरा करियर एकदम स्मूथ चल रहा था मतलब तबले के हिसाब से। पर ये सवाल ये था कि ये जो मेरे पिताजी ने एक पर ये सवाल था कि जो उन्होंने इतनी खूबसूरत चीज़ बनाई, अब इसको कौन बजाएगा? हालांकि ये है बहुत मुश्किल। तो इसको उनके पास कुछ शागिर्द भी आते थे, पर कुछ दिन जैसे कहीं पीठ में दर्द हुआ और कुछ ऐसा कुछ हाथ में दर्द हुआ तो वो छोड़ के चले जाते थे। तो ये सवाल था कि कौन कौन बजाएगा, और सब लोग मुझे मेरे तबले की तारीफ तो करते थे पर ये बोलते ये जरूर बोलते थे कि आपके पिताजी ने ऐसा एकदम यूनिक चीज़ बनाई है तो ये आप लोग नहीं बजाएंगे तो कौन बजाएगा, ये एक वो होता था। पर मैंने जब भी इसको कोशिश की हाथ में लेने की, मैं हमेशा नर्वस होता था कि कैसे होगा कैसे होगा। मतलब एक एक तरफ आप एक अच्छे लेवल पे तबला बजा रहे हैं और फिर आपको फिर ABCD से मतलब जो KG से आपको इसमें शुरू करना है, तो वो एक बड़ा दुविधा वाला लगा, वो सामने आ गई मुश्किलें। पर धीरे धीरे ऐसे कोशिश करते करते फिर मुझे थोड़ा छोड़ा थोड़ा किया थोड़ा छोड़ा ऐसा कर कर के धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा।
और खास करके मतलब लोग जब बोलते थे कि आपको ये बजाना चाहिए, आपको ये बजाना चाहिए, तो हमारी माता जी उन्होंने उन्होंने मुझे मोटिवेशन दिया कि बेटा ये तबले में तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग अच्छा बजा रहे हैं, तो तू बजाएगा तो 101वां तू बन जाएगा, मतलब 100 के ऊपर वो बन जाएगा। तो और ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें तू अकेला है, तो ये तुझसे शुरू होगा अगर तू बजाता। तो ऐसा मोटिवेशन मुझे मम्मी देती रही, और फाइनली धीरे धीरे कर करके मेरा कॉन्फिडेंस बना के हाँ मुझे ही बजाना है। और आज मतलब मैं इसमें सोलो क्लासिकल भी बजाता हूँ, और मैंने एक बैंड भी क्रिएट किया हुआ है, अनुराज क्लासिकल बैंड, जिसमें हम लोग जो जो मैंने तबले में सीखा है वो भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो मैं तबला तो मेरा कंटिन्यू है, ऐसा नहीं है कि उसको करके छोड़ दिया है सर, उसको कंटिन्यू रखते हुए मैं इसको बजा रहा हूँ। और मेरा जो म्यूज़िक को लेके जो लक्ष्य है वह यही है कि म्यूज़िक जो भी बजाओ उसमें कुछ कंटेंट होना चाहिए, मतलब म्यूजिकली रिच होना चाहिए। जो जो भी आप कुछ भी करो, भले उसमें एंटरटेनमेंट हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि एंटरटेनमेंट तो होना ही चाहिए, पर वो एक उसका एक 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 लेवल होना चाहिए कि उस लेवल के नीचे आपको नहीं जाना है। क्योंकि आजकल जो यंगस्टर्स है वो मतलब नाम नाम और शोहरत के लिए मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं, पर मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं बनाया उन्होंने, कि मुझे सिर्फ म्यूजिक मतलब जो जो सच्चा म्यूजिक है उसी को करने की मतलब प्रेरणा दी। बस मेरा भी यही कहना है कि ये जो काम है ये तो सबसे पहले ये ईश्वर की देन होगी, तो ही आप म्यूजिक के अंदर आएंगे। भले आप छोटा से छोटा कुछ काम करें, जैसे आप अगर मजीरे भी बजाते हैं तो उसके लिए ईश्वर की कृपा होनी चाहिए, वरना आप इस चीज को आप खरीद नहीं सकते। मतलब आपके पास अगर पूरी बम्बई खरीदने की भी अगर ताकत हो, पर आप ये नहीं बजा सकते, इसको ये सीखनी म्यूजिक मतलब अगर आपको ऊपर से देन नहीं है तो ये पॉसिबल ही नहीं। और अगर आपका म्यूजिक अगर किसी किसी के दिल को छूता है तो उसके लिए तो एक्स्ट्रा और ज्यादा वो ज्यादा आशीर्वाद चाहिए। और ईश्वर के बाद में फिर आती है आपके आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनकी सबकी दुआएं, जितनी आप दुआएं लेंगे उतना आपको इसमें इसमें वृद्धि होगी, उतनी तरक्की होगी आपकी इस काम में। क्योंकि आजकल जो 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 ट्रेंड चल रहा है वो सिर्फ कमर्शियल बेस्ड ही सब कुछ हो रहा है, कि कोई भी अगर किसी चीज़ में हाथ डालेगा अगर उसको पैसा नहीं मिलेगा तो वो नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्लासिकल म्यूजिशियन बनने के लिए आपको ये जो पैसों का ये जो शोहरत नाम इनका मोह पहले छोड़ना पड़ेगा। हालांकि बम्बई में क्लासिकल म्यूजिशियन होके गुजारा करना ये बहुत एक इम्पॉसिबल चीज है आज के ज़माने में। फिलहाल तो एक क्लासिकल कॉन्सर्ट्स जहाँ भी होते हैं वो वहाँ तो करते ही हैं। और ये मैं चाह एक तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि जिन जिनको क्लासिकल पता नहीं है वहाँ ज़्यादा अगर बजाया जाए। एक मैं जिक्र करना चाहूँगा, हमारे एक मित्र हैं, सीनियर आर्टिस्ट भी हैं, मिस्टर रतीश तागड़े, उन्होंने एक चैनल बनाया है पूरा क्लासिकल के हिसाब से, मतलब उसमें क्लासिकल को प्रमोट करने के लिए। तो हाल ही में मैं भी थाना में उन्होंने मेरा प्रोग्राम रखा था, प्रोग्राम का नाम था हैप्पी स्ट्रीट्स। तो एक वो एक सड़क के मतलब एक एक कहीं कोने में वो मतलब सुबह में एक स्टेज बनाया हुआ है, और वहाँ पर आपको क्लासिकल बजाना है। और वहाँ पर फिर मैंने बजाया वहाँ पर, तो काफ़ी लोग मतलब वहाँ पर इकट्ठा हो गए। तो वो एक अच्छा उन्होंने एक तरीका निकाला चैनल के अलावा, कि यंगस्टर्स को कैसे इसमें अपनी क्लासिकल की तरफ खींचा जाए। क्लासिकल म्यूजिशियन को मुश्किलात के अलावा कुछ भी नहीं आता। एक तो सबसे पहले जो हमें जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो है पैसा। तो वो पैसा इनिशियल स्टेज में आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको।
को सब जगह फ्री बजाना होगा अपने आप को बताने के लिए, और ये हम लोग बहुत कर चुके हैं। बाकी बाकी मुश्किलात ये होती है, खास करके ये इंस्ट्रूमेंट में ये मुश्किलात ये है कि ये वेदर इसमें बहुत इफेक्ट करता है। अच्छा। जैसे अभी आप एसी में बैठे हैं, और अभी आप एसी से तुरंत कहीं दूसरे माहौल में चलाएंगे, तो ये मोस्टली पूरा डीट्यून हो जाएगा, क्योंकि ये स्किन है। तो स्किन जैसे हमारी भी स्किन होती है यहाँ, तो ठंडी में कैसी सिकुड़ जाती है और गर्मी में कैसा वो मॉइस्चर निकलता है, तो ये स्किन है, तो ये अपना नेचर ये कॉन्टेक्ट होती है, एक्सपांड होती है। अच्छा। तो फिर ये तार पूरे वो डिट्यून हो जाते हैं उसकी वजह से। और दूसरी मुश्किलात ये होती है कि इसमें बिना रियाज के कुछ कुछ पॉसिबल नहीं है, रियाज सबसे जरूरी है, और रियाज मतलब आधा घंटा एक घंटे से कुछ काम नहीं बनेगा, आपको कम से कम 2 घंटे तो निकालने होंगे, और वो 2 घंटे में आपको 2 घंटे सिर्फ एक मिनिमम एक टाइम है, तो आपको तो कई कई घंटे मतलब देने पड़ेंगे इसमें, और उसमें जो आपको शरीर में जो दर्द होगा, आपके हाथों में दर्द होगा, ये आपको थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ कि ये कभी कभी ये मतलब हड्डी से टकरा कभी खून आ जाता है, कभी कभी हम लोग तबला बजाते हैं तो यहाँ पर ये वो बन जाते हैं, हाँ वो कैलेसिस बन जाते हैं। तो पहले हमारे पास कोई स्टूडेंट आता है तो हम लोग पहले तो यही बोलते हैं कि मुझे संगीत मत करो, क्योंकि ये हिसाब से नहीं बोलते कि वो करे तो हमें बुरा लगे, हम ये सोचते हैं कि इसमें इतनी जो तकलीफ है, हमने जो मुश्किलात देखी, हमारे पिताजी ने देखी, वो तकलीफ हम किसी को नहीं दें। हाल ही में हाँ हांगकांग में एक मैंने कॉन्सर्ट किया, जिसमें मतलब एक मेरी एक बचपन की दोस्त है फालू शाह, फाल्गुनी शाह उसका पूरा नाम है, उसको मतलब प्यार से यूएसए में फालू शाह बोलते हैं। उन्होंने मतलब ए आर रहमान जी के साथ में ओबामा जी के लिए परफॉर्म किया था, तो उनको याद था कि मेरा एक भाई है जो बजा था बेलावार, उनकी एक एल्बम है फोरस रोड करके एक एल्बम है, तो उसमें उन्होंने मुझे बजवाया था बेलावार। तो उनके एक हांगकांग में एक फ्रेंड है जो दोनों मतलब किशोर यमुनकर जी के शागिर्द हैं, तो उनको कुछ ज़रूरत थी ऐसे कि बेलावार का कुछ एक पीस होना चाहिए इसमें, तो उन्होंने मुझे याद किया, और मतलब जितने भी वहाँ पर अच्छे अच्छे जैज म्यूजिशियंस थे वर्ल्ड के फेमस, तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट देखा, मतलब प्रोग्राम के अलावा हम लोग रिहर्सल में भी बैठे थे, तो सब लोग मतलब बहुत इससे इंस्ट्रूमेंट से बहुत प्रभावित हुए और काफ़ी इसको पसंद किया। फिर उसके बाद एक थाने में एक उपवन संस्कृति फेस्टिवल होता है, उसमें मैंने ये परफॉर्मेंस दी। हमारी एक फ्रेंड है रेणु सोमन जी, तो उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के लिए रिकमेंड किया, उन्होंने मुझे एक मेरे फ्रेंड के यहाँ पर सुना था, तो उनके ध्यान में ये फेस्टिवल था, तो उन्होंने कहा कि ये बेलावार किसी तरह से उस फेस्टिवल में होना चाहिए, तो हुआ और बहुत सक्सेसफुल रहा, और उसमें मतलब बहुत ही कम मॉर्निंग में बहुत प्रोग्राम कम होते हैं, तो मॉर्निंग एक कॉन्सर्ट था और काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया। ये बैंड की शुरुआत ऐसे हुई कि ये जो प्योर जो क्लासिकल म्यूजिक है इसकी जो रीच है ये एक बहुत ही कम ऑडियंस तक ही है, मोस्टली म्यूजिक का जो एक बहुत बड़ा परसेंट है वो सिर्फ एक बॉलीवुड म्यूजिक के आसपास घूमता है, वो उसके बाहर निकलना ही नहीं चाहते। हालांकि हमें सुनाना तो सभी को है, जब तक हम लोग उसको एक अच्छे प्रेजेंटेशन करके प्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक जो क्लासिकल का जो एक पावर है उसमें जो एक खासियत है उसकी जो भी अच्छाई है वो हम लोग किस तरह से बता पाएंगे। अगर हम लोग क्लासिकल लेंगे जैसे वो स्लो जो आलाप होता है सा, तो वो सो जाएंगे और भाग जाएंगे। तो भगवान की दया से मुझे एक ये इंस्पिरेशन मिली, मतलब बहुत सारे आर्टिस्टों को मैंने बजाने के अलावा बहुत सुना है, तो ये ऐसे इंस्पिरेशन मिली और कुछ एक चीज़ मतलब
एक कंपोजिशन जैसे बनाते हैं, राग की कंपोजिशन बनाते हैं, तो वो बना मुझे कुछ ऐसा ख्याल आया कि क्यों ना, मतलब कुछ जो मैंने जो तबला इतना साल सीखा है तो उसका एक एलिमेंट हम लोग उसका एलिमेंट राग के साथ मिला के अगर कुछ कुछ बनाया जाए, और इसको अगर हम लोग मेरे अकेले के बजाने के बजाय कुछ कुछ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स लिए जाए और कुछ कुछ इंडियन इंस्ट्रूमेंट लिए जाए और ये ताल और सुर का एक संगम करके अगर प्रेजेंट किया जाए, तो ये हम लोग क्लासिकल के अलावा एक अलग ऑडियंस हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। तो ये मैंने शुरू किया और कुछ कंपोजिशन बनाई, और इसका एक मैंने एल्बम भी बनाया सिल्वर लाइनिंग करके। तो वो एल्बम जैसे बना कुछ दिन तक तो मुझे कुछ ऐसा रेस्पॉन्स नहीं मिला, फिर अचानक मुझे एक दो तीन जगह से फ़ोन आए कि हमने आपका सिल्वर लाइनिंग सुना। एक तो पाकिस्तान से आया, एक यूएसए से आया, और हालांकि पाकिस्तान वाले एक शरीफ अवान साहब हैं, वो वहाँ पर मेरा कॉन्सर्ट भी कराना चाहते हैं। हाँ, ये एक्चुअली उन्होंने लास्ट नवंबर को कुछ डिसाइड किया था, पर जरा मतलब हमारे बैंड मेंबर्स इससे राजी नहीं थे, क्योंकि वो इश्यू आपको पता है। तो वो एक था, और फिर बाद में एक इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है देहरादून में, विरासत, रिच विरासत उसका नाम है। तो वहाँ से मिस्टर आरके सिंह जो उनके ऑर्गेनाइजर है, उन्होंने मेरी सीडी यहाँ बॉम्बे से खरीदी थी। तो हालांकि वो जो फेस्टिवल है उसमें मतलब बड़े बड़े आर्टिस्टों के ही प्रोग्राम होते हैं मोस्टली, जैसे विष्णुमोहन भट्ट जी, शिव कुमार शर्मा जी, हरि प्रसाद चौरसिया। तो अभी अभी मैं तो एक नया ही आर्टिस्ट हूँ, तो उन्होंने फिर ये सीडी सुनी, तब उनको मेरे म्यूजिक का पता चला, वरना शायद नए आर्टिस्ट को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कभी जगह नहीं मिलेगी। तो मेरा म्यूजिक उनको इतना वो हुआ कि उन्होंने बोला कि हम आपका प्रोग्राम रखना चाहते हैं। फिर वहाँ पर हमने प्रोग्राम किया, और वहाँ पर जो हमें जो ऑडियंस का जो रेस्पॉन्स मिला, वो मैंने मतलब अभी तक मैंने जितने कॉन्सर्ट अटेंड किए दूसरे आर्टिस्टों के भी और मैंने खुद ने भी बजाए थे, तो इतना रेस्पॉन्स मुझे कहीं नहीं मिला। मतलब जो जो मेरी कंपोजिशन से जो मैंने ये जो सिल्वर लाइनिंग में जो बजाए उनको मैंने लाइव बजाया। तो हाँ, तो मतलब हर सॉन्ग के बाद इतना एक लाउड वो अप्लॉड आता था। तो उसके बाद फिर मेरी इस काम में मेरी मतलब हिम्मत बढ़ गई कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं। और कोई सिंगल्स वगैरह या फिर कोई और एल्बम या और कोई और सीरीज वगैरह आपने कहा? मेरे ख्याल से अभी हम लोग कुछ साल 6 महीने में हमारी कंपोजिशन ऑलमोस्ट रेडी है, थोड़े से कुछ कुछ मैं सोच रहा हूँ कुछ और ऐड किया जाए इसमें, तो उस लिहाज से थोड़ा सा इसको वक्त लगेगा, पर 1 साल के अंदर दूसरा एल्बम आ जाएगा। और ये जो कंपोजिशन बनी है ये पिछली कंपोजिशन से भी थोड़ी हाँ हटके है, और थोड़ी अलग रागों में है और ताल भी अलग यूज़ करेंगे। ये मेरे बैंड का नाम अनुराज क्लासिकल बैंड है, तो वो क्लासिकल के हिसाब से वो होता है उसके अंदर। जैसे हम पिछले एल्बम में हमने आड़ा चौताला 14 बीट्स, धिन त्रिक धिन्ना तिन्ना कत्ता त्रिक धिन्ना धिन धिन्ना, फिर रूपक तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना, फिर एक दरबारी में कॉम्पोजिशन, उसमें 9 मात्रे हैं, धिन त्रिक धिन्ना तिन्ना धिन धिन्ना, इसको मत ताल बोलते हैं। हाँ, तो इसमें मतलब हमने 3 ताल का भी यूज किया है, तो ये काफी मतलब हाँ, तो पर ये 3 ताल मतलब 16 बीट्स है, पर उसमें जो 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 क्लासिकल में जो एकदम सेम होता है वैसे नहीं किया वो, उसमें हमने थोड़ा सा एक मॉडर्न एलिमेंट डाला है, ताकि मतलब जो 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 हम यंगस्टर्स हैं उनको उनको ज्यादा मतलब अट्रैक्ट किया जाए, उनको क्लासिकल की तरफ थोड़ा खींचा जाए। नॉर्मली अपने जो 3 ताल होते हैं वो रा दिन रा रा दिन रा रा, हाँ बस यही होते हैं, बाकी तो मतलब उसमें अलग एलिमेंट्स, मतलब अपने क्या मिला है, मतलब किस चीज के अलग एलिमेंट्स? हमने उसमें वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट यूज किए, जैसे ड्रम्स है, कीबोर्ड्स है, हाँ
इस जो एल्बम का जो अरेंजमेंट है वो मेरे भाई साहब ने मतलब उसमें पूरा किया हुआ है। अच्छा, और ये सोच किनकी थी? ये सोच एक्चुअली हम जैसे मैंने शुरू किया तो ये मेरे भाई साहब ने मुझे बहुत उसमें हेल्प की, और मेरे जो बैंड के बैकबोन है वो मेरे भाई साहब ही है, देवानंद जी। और दूसरे बैंड मेंबर्स कौन है आपके? दूसरे बैंड मेंबर से एक हमारे दोस्त हैं समीर राव, वो हरी जी के शागिर्द हैं। और हमने ऐसा नहीं रखा है कि यही होने चाहिए मेंबर, हम लोग फ्लेक्सिबल? हाँ फिर फ्लेक्सिबल होता है वो, जैसे हम लोग इसके पीछे रिहर्स करते हैं, मतलब महीनों महीनों रिहर्स करते हैं, उसके बगैर ये पॉसिबल ही नहीं। और ये कंपोजिशन कुछ ऐसी बन गई है कि मतलब आजकल सभी आर्टिस्टों का भी मैं यही बोलता हूँ कि सभी पैसों के पीछे भाग रहे हैं, मतलब ये नहीं कि हम लोग कुछ एक नया कुछ काम करें। तो मुझे ऐसे आर्टिस्ट लेने में भी काफ़ी दिक्कत होती है कि किसी को अगर मैं बोलूं कि ये हमारा प्रोग्राम है तो उनका जो रेम्यूनरेशन है वो तो मैं दे दूं, पर वो जो जो इस काम के पीछे जो टाइम लगता है, लगन होती है। हाँ लगन होती है, तो वो लगन में मतलब आई मिस दैट इन। करेक्ट 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 करेक्ट। आपने आजकल यही हो गया कि आप कहीं बजाने गए, 2 बार बजाए, आपको मिल गए 4-5 हज़ार और आ गए घर पे, तो वो क्यों क्यों करेंगे ये तो मतलब वो जो हम लोग का ये जो काम ये हो गया है भगवान की दया से, ये लोहे के वो जो चने वो कहावत है ना वो हो गया। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि ये मैंने ही बनाया हुआ है, पर मैं इसको अगर 4 दिन नहीं बजाऊं सो आई कैंट प्ले इट। मैंने मैंने जैसे कहा कि किसी भी चीज में अगर पैसा पहले आ जाएगा तो वो सर्वनाश का एक सबसे बड़ा कारण होगा, कि आज आपके पास म्यूजिक नहीं है, कुछ रियाज वगैरह नहीं, सिर्फ पैसा है, तो आप अपना एल्बम खुद निकाल सकते हो। और ये जो मैंने जो एल्बम बनाया इसके पीछे मुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ी, कितना वो मैं खुद ही मैं जानता हूँ, पर ये जो मैंने तकलीफ उठाई उसका रिजल्ट मुझे आज नजर आ रहा है। नहीं एक्चुअली वोकल वोकल्स हम लोग कई कोई कुछ प्रोग्राम्स में इंक्लूड करते हैं, पर वोकल्स तो ऑलरेडी लोगों के ध्यान में ही है ही सही, तो हमें हमें इंस्ट्रूमेंट्स को जरा जरा हाईलाइट करना है। सितार में और सारंगी में तो ये सितार में ये उंगली कट जाती है, फिर खून आ जाता है, तो उस सबको पार करने के बाद आप थोड़ा बजा पाते हो। सारंगी में ये जो नेल है ये फट जाते हैं। चीज से एक ध्यान में आया मुझे कि कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं क्लासिकल म्यूजिक में वो कंपैरेटिवली थोड़े फिजिबल होते हैं और इजी होते हैं, मतलब जो जो जैसे मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रही हूँ, मैं काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, मेरा ये इंटेंशन नहीं है कि ये बेला बार सब सब इंस्ट्रूमेंट से अच्छा है या इसके अलावा कुछ दुनिया में कोई अच्छा, ये नहीं मैं बोलना चाहता हूँ, पर इसकी इसकी जो पॉसिबिलिटीज है और इसमें जो दिक्कत आती है वो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुछ इंस्ट्रूमेंट पे कोई सुर बजा रहे हैं, जैसे ये तो ये तो सब सुर में बज रहा है ऑलरेडी, पर आप जब इसमें अब मैं आपको भी यहाँ बजाने के लिए बुलाऊंगा तो ये आप सुर में बजा देंगे, पर आप जब ट्यून ट्यून है। हाँ ये ऑलरेडी ट्यून है, पर आप जब ये इंस्ट्रूमेंट बजाएंगी तो इस पोजीशन पे आपको आने के लिए कम से कम 1 साल लगेगा, ज्यादा मतलब सिर्फ सुर लगाने के लिए। इसमें जैसे आपने ये सुर लगाया तो इसका जो ये करेक्ट नोट है, अब इसको मैं अगर ये कौन सा था? ये सा नहीं ये गा था, इसको मैं अगर ज्यादा प्रेस कर दूं यहां से ऐसा हो जाएगा, और थोड़ा सा प्रेशर कम ऐसा हो जाएगा, तो ये और यहाँ अगर मैंने बो से ज्यादा प्रेशर कर दिया तो बेसुरा हो जाएगा, और कम प्रेशर कर दिया तो बेसुरा हो जाएगा, तो वो जो जो प्रेशर है वो एकदम बीच में होना चाहिए, और वो प्रेशर लाने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। और कंपेरेटिव दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे शायद फ्लूट है या संतूर है या जलता रंग है उसमें ये दिक्कत नहीं आती, हालांकि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर महारत करनी है तो उसके लिए मेहनत तो लगती है। मेहनत तो लगती है, मेहनत तो
ऐसा नहीं है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट इजी है। सबसे पहले तो यही है कि उनको अगर भगवान की देन है तो ही वो म्यूजिक में आ पाएंगे, और अगर उसको म्यूजिक को उन्हें अगर आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले सब जितने भी घर वाले हैं, जो दोस्त हैं, सब सबकी मतलब दुआएं लें, और एक कमर्शियल जो एंगल है वो उसको अपनी लाइफ से डिलीट कर दें एकदम, क्योंकि जहाँ कमर्शियल एंगल आया आपके लाइफ में तो वहाँ एक फुल स्टॉप एक ब्रेक लग जाता है। देखिए मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर आपको किसी ने अप्रिशिएट किया, अगर किसी ने आपकी बुराई कर, पर आपको खुद को ये पता होना चाहिए कि आप अभी फिलहाल क्या कर रहे हो। आपको खुद को एक सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि आप सही कर रहे हो कि नहीं। वो अगर होगा तो आप कभी पीछे नहीं जाएंगे, मतलब क्रिटिसिज्म भी होगा तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, या तारीफ से भी आप कभी मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होंगे। आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप कहाँ हैं और आपको क्या क्या करना है। खुद में हमेशा आप कमी ढूंढेंगे ना तो कभी किसी चीज का इफेक्ट नहीं होगा आपके म्यूजिक पे। और मैं आपको अपने मेरे खुद का ही मैं बता देता हूँ कि जब मैंने अपना पहला बेला भार का कॉन्सर्ट किया था तो ऑडियंस में कुछ आर्टिस्ट भी थे, और तो उन्होंने मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया। क्यों? नहीं, क्योंकि फर्स्ट कॉन्सर्ट है और अब मैं मतलब पंडित शिव कुमार शर्मा या हरी जी की तरह तो एकदम मतलब सुर में नहीं बजा सकता या ताल में नहीं बजा सकता। आप सोच सकते हैं कि एक पहला कॉन्सर्ट है और एक एक हाँ एक नर्वसनेस होता है, और घर में तो सभी बजाते हैं पर स्टेज एक अलग हो जाता है मामला। तो एक साहब थे, उनका नाम नहीं लूंगा, तो हाँ सीनियर टाइप ही थे, तो उन्होंने कहा कि इसको इसको बेटा तुम तबला बहुत अच्छा बजाते हो, व्हाई यू आर डूइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, इसको अगर करना है तो आप कुछ अलग तरीके से आप कुछ करो या जैसे कुछ। तो अदर साइड में मुझे कुछ ऐसे लोग मिले, कुछ आंटीज मिली, मतलब मेरी माता जी की उम्र की, वो मुझे ऐसा बोल रही कि बेटा तुमने बजाया तो हमें ऐसा लग रहा था कि रात भर आपको बैठे के सुनते रहे।
तो वहाँ पर जो मुझे वो मोटिवेशन मिला तो मैंने उसको ज़्यादा पकड़ा। हालांकि वो क्रिटिसिज्म था उसको मैंने दिमाग में रखा कि जो क्रिटिसिज्म हुआ उसका मैं कुछ आंसर फ्यूचर में देना चाहिए। अच्छा। अब वो आंसर मेहनत से ही होगा और कोई वो तो कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, घुमा दिया तो बस आ गया। तो आज मैं जो बेला बार के कॉन्सर्ट कर रहा हूँ तो वो प्रूव हो गया कि मुझे बजाना ही था। मैंने जो इसको बजाने का जो निर्णय लिया था वो गलत नहीं था। इंटरनेशनल जो आपने फेस्टिवल में प्ले किया था देहरादून में, अभी आपने बताया मुझे, वहाँ पे रिस्पॉन्सेस आपको इतने अच्छे मिले तो कैसा लग रहा था कि मतलब आपसे दुनिया में एक ही इंसान है जो ये बजाते हैं और आपके फादर की लेगेसी है ये, तो आपको कैसा लगा? बस मैंने तो सबसे पहले एक और इंटरनेशनल फेस्टिवल है DIF करके, दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल, उसमें भी मतलब लास्ट ईयर में गए थे हम लोग। तो सबसे पहले वो फेस्टिवल में बजाने के बाद मैंने सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा किया कि मुझे एक इतना बड़ा लकी आदमी बनाया कि ये इंस्ट्रूमेंट मैं बजा रहा हूँ और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ मैं अकेला हूँ अभी यंग जनरेशन में। और ये फील्ड में लास्टली आप क्या चेंजेस देखना चाहेंगे क्लासिकल म्यूजिक में? मेरा जो सपना है, जो सोच है क्लासिकल के प्रति, वो बड़ी एक वो रिवॉल्यूशनरी टाइप है। ये मैं मतलब जब से मैंने ये बैंड शुरू किया, ये इसकी सोच यही थी कि जैसे हम लोग विदेशी आर्टिस्टों को हम लोग किस तरह से प्रोत्साहन देते हैं, जैसे आपने नाम सुना हुआ माइकल जैक्सन है, जेनिफर लोपेज है, उनके लिए मतलब हमारे जो इंडियन लोग हैं वो मतलब देखने के लिए मर जाते हैं कि अरे ये कौन है, उनके पीछे भीड़ लगा देते हैं। तो ये मैंने इंडियन आर्टिस्ट के लिए बहुत कम देखा। तो मेरा सपना यही है कि हमारे जो भारत के कलाकार हैं, मेरे बाद जो आएंगे यंगस्टर्स आएंगे और जो हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं जिनको लोग नहीं जानते अभी भी, जो फेमस है वो तो है ही सही फेमस, पर जिनको नहीं जानते और वो उनसे भी अच्छा काम करते हैं, उनकी काबिलियत है, तो उनका एक्सपोजर हो। और जैसा हम लोग विदेशी आर्टिस्टों को जितना प्रोत्साहन देते हैं उनको भी देना चाहिए, ये नहीं बोलता हूँ कि उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो आर्ट तो आर्ट ही है, सबको मिलना चाहिए। पर जो हमारा खुद का जो संगीत है और हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको भी कम, उनसे ज़्यादा नहीं तो कम से कम उनके जितना तो एक्सपोजर मिलना चाहिए। और पॉपुलर म्यूजिक के लिए नहीं, ये जो शास्त्रीय संगीत है उसके लिए लोग मतलब ऐसा वो आइडिया दिमाग में रखें। क्योंकि क्या होता है कि आजकल क्लासिकल म्यूजिक में अगर आप फ्री प्रोग्राम भी रखो तो लोग देखने नहीं आते, और जैसे आपके किसी ने बॉन जोवी को बुला लिया तो वो आप भले 10-15-25 हज़ार के भी रखो तो लोग आएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ मतलब हर देशवासी को और जो कॉरपोरेट फील्ड के लोग जो लोग हैं कि आप अपनी माँ का तो रेस्पेक्ट कीजिए, अपनी माँ का, अपने देश के संगीत का, अपने देश के कलाकारों का। भगवान ने आपको अगर अच्छा फाइनेंशियली इतना अच्छा बनाया है तो आप अपनी जो चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाइए आप। एक्चुअली मैं थोड़ा सा वैसे सॉफ्ट नेचर है मेरा, पर थोड़ा सा अंदर एक जिद्दी टाइप का नेचर है, क्योंकि मैं कुछ भी काम करता हूँ तो वो मेरे अपने टर्म्स और कंडीशन पे ही करता हूँ। मैं किसी ने मुझे अगर कुछ बोल दिया कि ये ढिचिक है, ये इसका इस पर कुछ बनाइए, सो मुझे अब वो अब कुछ अरबों भी रुपए दे देंगे तो मैं उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो मैं ऐसा ही कंटेंट दूंगा जिसमें मतलब हमारे शास्त्रीय संगीत का कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट हो। मतलब मुझे अगर कुछ ऐसा मिलेगा तो ज़रूर करूँगा, पर मैं उनको अपनी एक कंडीशन ज़रूर बताऊँगा कि तो ये है कि ये जो बेला बार की जो मेरे डैडी ने एक टेक्निक अलग बनाई है जो वायलिन की है, पर वायलिन से बहुत इसका जो बाज है वो तरफ को ध्यान में रखते हुए,
और सारंगी का साउंड है पर सारंगी की टेक्निक से बिल्कुल अलग है। और इसमें वोकल हाइलाइट्स भी है पर ये नहीं है कि किसी इंस्ट्रूमेंट का इमिटेशन करना है, मतलब एग्जैक्टली उसी की तरह बजाना है। हालांकि दूसरे इंस्ट्रूमेंट से काफ़ी एलिमेंट्स इसमें हैं, जैसे सितार की काफ़ी हरकत इसमें हम लोग ले सकते, सरोद का जैसे, और वैसे वायलिन मोस्ट एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट है, तो मोस्ट एडवांस तो है ही सही है इंस्ट्रूमेंट, मतलब दूसरे इंस्ट्रूमेंट के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटीज बहुत भरपूर है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मैं बहुत एडवांस बजाता हूँ, ये इंस्ट्रूमेंट में खासियत है, क्योंकि आपने मतलब वर्ल्ड के बहुत अच्छे अच्छे वायलिनिस्ट देखे होंगे, तो वो उसको किस मतलब लेवल पे बजाते हैं, क्योंकि वो ये पोजीशन के हिसाब से। और क्या दूसरे इंस्ट्रूमेंट में जैसे सारंगी है उसमें एक लिमिटेशन हो जाता है ये जो पोजीशन है। हालांकि एक हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े वो कलाकार हैं, उनके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब वो सारंगी बजाते पंडित राम नारायण जी, तो उन्होंने तो इसके पीछे 40-50 साल साधना की है, तो आजकल तो इतना टाइम किसी के पास है नहीं। हाँ वो तो लेजेंडरी है, मतलब तो इसकी जो मैं जो फिजिबिलिटी, हाँ मैं मेरी कंपोजिशन आपको सुनाऊंगा, पर इसकी इसकी जो पॉसिबिलिटीज मैं बता रहा हूँ कि जो हम लोग दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं कर सकते। अच्छा। इसमें एक तो जैसे कोई भी हम लोग नोट लगाते हैं उसकी एक पोजीशन है, जैसे तो ये पोजीशन का बहुत फायदा मिलता है, और सारंगी में ये पोजीशंस नहीं होती। हालांकि इसमें कोई सपोर्ट नहीं है कि ये यहाँ पर सुर है यहाँ पर सुर, पर एक बार एक पोजीशन सेट हो जाती है तो उससे काफ़ी आपको कुछ चीज़ें आसान हो जाती है। और सारंगी में क्या होता है कि कोई भी सुर लगाते हैं ना आप, तो उसमें ऐसे ग्लाइड करके जाना होता है, इसमें क्या डायरेक्ट, पोजीशन मिलने की वजह से आपको हाई स्पीड में कुछ फ्रेज बजाना तो वो ही बड़ा इजी हो जाता है। जैसे हम लोग एक ही फ्रेज बजाते हैं हर हर नोट पे, हर हर स्ट्रिंग पे हम लोग एक ही फ्रेज, तो आप ये मेरी चेहरे की तरफ देखिए कि कोई दिक्कत आ रही है क्या मुझे। हालांकि ये जो फ्रेज मैंने इतना सिंपल आपको लग रहा है ये दूसरे इंस्ट्रूमेंट में पॉसिबल है ही नहीं। अब ये तो सिंगल टेम्पो था, क्या हो जाता है कि अगर आप सपोज ये पोजीशन में बजा रहे हैं तो सारंगी में क्या होता है कि एक ही स्ट्रिंग पे ज्यादा वो रहता है, एम्फेसिस रहता है, मतलब उसी पे ज्यादा वो बजाने का उसका रहता है लास्ट स्ट्रिंग में। और ये बेलावार में क्या हो गया कि इसमें 5 स्ट्रिंग्स हो गए, तो मोस्टली इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है कि हम लोग जितना ऊपर जाते हैं ना उतना सुर लगाना मुश्किल हो जाता है। जैसे तो ये यहाँ का जो मैंने सा लगाया इतना परफेक्ट नहीं होगा जितना, हालांकि ये भी मैंने सुर में ही लगाया पर वो इतना सुर में साउंड नहीं कर रहा जितना ये कर रहा।
साहब को मेरे मैं मतलब हंसते हंसते इसको बजा सकता हूँ जैसे। तो आप इसको इमेजिन कीजिए कि आप जैसे कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे इस फ्रेज को बजा। मैं तबला सोच रही थी। हाँ तो तबले में तो ये फिंगर्स का वो हो जाता है, पर दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे अगर ये कोशिश करेंगे तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये जो सब फ्रेजेज ये ताल के फ्रेज है, जैसे तक धीमी ताकी तक धीमी ताकी। तो ये एक इसका एक दूसरा एस्पेक्ट है, मतलब थोड़ा सा इसमें वो अटैकिंग एक फील मिलता है। बाकी इसका जो 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 मेन पर्पस है तो ये मिठास का ज्यादा है। तो इसमें स्लो से स्लो फ्रेज बजाया जा सकता है और फास्ट से फास्ट, मतलब स्लो की भी वो कोई लिमिट नहीं है। कोई भी राग हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है। और इसमें हम लोग कुछ वेस्टर्न ट्यून भी बजा सकते हैं जो इस पे सूट हो। ये मतलब सुना हुआ है मुझे, एकदम एग्जैक्टली पता नहीं है, पर एक एग्जांपल के कर सकते हैं। मतलब ये किसी भी म्यूजिक में ये बेला भार बज सकता है, और मतलब बजता आ रहा है अभी भी। मुझे काफ़ी लोग बुलाते हैं, कभी जिंगल्स भी होते हैं कुछ ऐड के, तो हम लोग इसमें करते हैं।